पोस्टर जलाया है और मैं ढूंढ रहा हूँ जिस दिन शाहरुख खान मिल गया। जब पिछवाड़े में नहीं होगा तो बीच में काहे कूदा। हम पूरे देश के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं इस फिल्म को धूल चटाओ। वो कह रहे हैं मैं छोटी छोटी ये हवाओं से नहीं, ओ शाहरुख खान छोटी छोटी हवाओं से नहीं, तुझे चल से फाड़ के सुना दियो। और सुनो, कोई नहीं दिखा, कोई दिखा नहीं, हम आए थे विरोध करने के लिए, कोई दिखा नहीं विरोध करने, तो खड़ा हो गया। ये सोशल मीडिया पे जो बड़ी बड़ी चोरी लगी, नहीं, विरोध हो रहा था, कल भी हम यहाँ पे विरोध किए थे, पोस्टर हम फाड़े थे आके यहाँ पे। आप विरोध भी किए और मूवी भी देख ली आपने? कहानी तो पूरा सुनिएगा तब ना सर। कल आए विरोध किए, पोस्टर फाड़े, अच्छा लगा, पैसा मिला, सोचा आज भी करेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, मगर कोई विरोध करने आया नहीं तो हमको दिखा दिए गो, कह रहे अरे अरे क्या कर रहे हो, बोले भैया आए विरोध करे, बोले विरोध मत करो, मेरे पास एक टिकट बच रहा है, पीछे का सीट है, देखेगा, बोले दिखा दीजिए भैया फ्री में, ठीक है देख लेते हैं। तो गया था विरोध करने के लिए, गाली भी देख। दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं तफज्जुल हुसैन और आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। दोस्तों पठान मूवी ने तो कमाल कर दिया। मैं पहले बता दूँ, मैं पठान मूवी को कोई रिव्यू भी नहीं करता और मैं कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ और कुछ विरोध भी नहीं कर। सिनेमा जो है वो सुपर डुपर हिट हो गया है, किस लिए हुआ वो तो आप सभी को पता है, भगवतों ने क्या जो विरोध किया था। इस सिनेमा पे खास कुछ नहीं है, जिससे कहानी अच्छा कुछ नहीं है, जिस सब फाइट वगैरह चल रहा था वो सब रिव्यू सुना है मैं अच्छे लोगों से, तो उसमें क्या है, कॉपी क्या हुआ है, इंग्लिश सिनेमा से ला के, बड़े बड़े सिनेमा से ला के कॉपी करके कुछ सीन क्या है, अच्छा फाइटिंग क्या है, ये सब सही है, बस कहानी अच्छा नहीं है। बाकी सब देशभक्ति भी है और देशभक्ति के खिलाफ भी है लोग कह रहे हैं, मैं तो देखा नहीं, बस आप लोग कैसा देखा कैसा ना देखा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो सिनेमा कैसा लगा, मैं देखा नहीं है इसलिए रिव्यू नहीं किया। मैं इस भक्तों से कहना चाहता हूं, देखो शाहरुख खान ने क्या कहा, शाहरुख खान ने क्या मैसेज दे रहा है, जब आप लोग को थोड़ा सुना दूं, डोंट गो टू पीपल, सुनिए, टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर, उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। हाँ, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं, तो जब मुझे, बेशक देखिए यहाँ कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ, देखो मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ, मुझे सुने हो, जब सुख होता है तब भी आते हैं बालकनी पे और जब दुख भी होता है तब भी आते हैं बंदे उसी में। इतना अच्छा रिकॉर्ड किया है, मैं अच्छा तो नहीं कह सकता सिनेमा पे क्योंकि नंगापन मुझे पसंद नहीं है। इस सिनेमा ने 5 दिन में 550 करोड़ की कमाई किया, इतना करोड़ पैसा इतिहास में शायद पहली बार किया है शाहरुख खान के इस सिनेमा। तो मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा स्किप दिखाया, ये दिखाने का मकसद ये नहीं था मैं इस सिनेमा को प्रमोट करूँ और बढ़ावा दूँ। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं बीमार की हालत में भी एक वीडियो बना करके छोड़ देते, क्योंकि मेरे भी बहुत सारा फ्रेंड्स हैं, मैं अगर किसी एक मैसेज करूँ कम से कम 10 बंदा जाके इस सिनेमा को देखेगा, जरूर 10 बंदा जाके देखेगा। मुझे इतना उम्मीद है, मेरा इतना फैंस है असम पे और इंडिया पे भी बहुत सारों में, यूट्यूब में भी बहुत लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुशी हूँ इसके लिए और आप सभी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो अभी लास्ट तक बना रहा हूँ 550 करोड़ कमाने का बाद, इसलिए बना रहा हूँ। कल एक वीडियो में देखा हूँ, कल नहीं अभी सुबह एक वीडियो में देखा, जो कल इंटरव्यू देते हुए शाहरुख खान ने बहुत अच्छा बात कहा, वो मैसेज आपको भी सुनना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप सभी के सामने रखा हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया सा मैसेज दिया, जब उनका दिल में दुख हो तब बेलकनी में आते हैं और जब सुख भी हो तब बेलकनी में आते हैं, बेलकनी में आके पब्लिक से उन लोग को दुआ लेते हैं, सहारा लेते हैं, प्यार मिलते हैं उनको और प्यार देते भी हैं। करोड़ों लाखों लोग, आप सभी को पता है इंडिया में सबसे नंबर वन कोई हीरो है तो शाहरुख खान ही है, और कोई खान नहीं है, कोई अक्षय नहीं है, अमिताभ बच्चन सार भी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शाहरुख खान के जैसे फैंस और किसी हीरो को नहीं है।